नमस्कार, आपका स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर सेशन में, जिसमें हम गवर्नमेंट सब्सक्राइबर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमने आपसे कलेक्ट किए गए क्वेश्चन स्लिप में से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया है। आपकी सुविधा के लिए ये क्वेश्चंस हमने स्क्रीन पे भी दर्शाया है। कुछ सवाल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए कॉमन है, जिनके जवाब हमने इस तरीके के दूसरे वीडियो में दिया है। आप उसे हमारे YouTube चैनल NSDL NPS की पाठशाला में भी देख सकते हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपको दिए गए फोल्डर में उपलब्ध FAQs में भी है। सर, शुरू करें? बिल्कुल। पहला सवाल ये है, सब्सक्राइबर कहते हैं मुझे मेरा पैन कार्ड नहीं मिला है, उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट सब्सक्राइबर को तो ये पता ही होगा कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब सर्विस ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग फॉर्मेलिटी, जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के साथ उनका NPS अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी भरा जाता है। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म DDO ऑथोराइज करके अपने हायर ऑफिस यानी PAO या पे एंड अकाउंट ऑफिस या फिर DTO यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट के केस में अगली कार्यवाही के लिए भेज देता है। PAO उसे ऑथोराइज करता है, उसकी जाँच करता है और वो फॉर्म CRA के पास भेजा जाता है प्लान जनरेट करने के लिए। फॉर्म मिलने के बाद CRA प्लान जनरेट करके आपका पैन कार्ड 10 दिन के अंदर डिस्पैच कर देता है और साथ ही प्लान जनरेट होने के बाद आपको इसकी सूचना अलर्ट द्वारा दी भी जाती है। CRA प्लान कार्ड आपके PAO को भेजता है, PAO आगे आपके DDO को भेजता है ताकि वो सब्सक्राइबर को प्लान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सके। साथ ही CRA सब्सक्राइबर को जैसे ही प्लान कार्ड डिस्पैच होता है एक अलर्ट भी भेजता है, जिसके जरिए आप अपना प्लान कार्ड डिस्पैच की स्टेटस को ट्रैक कर सके। कहने का मतलब ये है कि आपको प्लान फॉर्म आप जब सबमिट करते हो आपके ऑफिस के पास तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैन कार्ड मिलना अपेक्षित है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको ये पैन कार्ड नहीं मिला है तो आप उसे दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक रीप्रिंट रिक्वेस्ट आपके PAO या फिर DTO को देनी पड़ेगी। PAO या DTO उसे प्रोसेस करेगा सिस्टम में और आपको नया पैन कार्ड प्रिंट करके भेजा जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका है कि आप अपने पैन और पासवर्ड यूज़ करके CRA सिस्टम में लॉगिन करके आप अपना ई पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। इसे आप कलर प्रिंट निकालिए और आपके रिकॉर्ड के लिए उसे लैमिनेट करके रखिए, जो बिल्कुल ओरिजिनल पैन कार्ड की तरह ही होता है। सर, दूसरा सवाल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में है, जो कि अक्सर हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में पूछा जाता है। सवाल है, मेरी सैलरी से NPS की कटौती तो हो रही है, लेकिन मेरे पैसे कहाँ और कैसे निवेश होता है? सरकारी कर्मचारियों के सैलरी से जो NPS की कटौती होती है उसे निवेश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 PFM की नियुक्ति की है। PFM यानी पेंशन फंड मैनेजर। ये 3 पेंशन फंड मैनेजर है SBI पेंशन फंड लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस एंड LIC पेंशन फंड। ये 3 पेंशन फंड्स गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर की जो कंट्रीब्यूशन है उसे एक पूर्व निर्धारित रेशो में निवेश करती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके सैलरी से अगर प्रति माह 2000 रुपया NPS कंट्रीब्यूशन कटौती होती है तो गवर्नमेंट उतनी ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन यानी 2000 रुपया देती है। सो हर महीने आपके NPS अकाउंट में टोटल 4000 रुपया निवेश होता है। ये 4000 रुपया ये 3 PFM जो मैंने कहा था SBI, UTI और LIC को पूर्व निर्धारित रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है निवेश करने के लिए। और ये PFM को निर्देश ये दिए गए हैं कि उनको मिलने वाली जो NPS कंट्रीब्यूशन है जो वो निवेश कर रहे हैं उनको वो मिनिमम 85% फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में निवेश करने हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और मैक्सिमम 15% मैक्सिमम 15% वो निवेश कर सकते हैं इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। सर, अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें सब्सक्राइबर लिखते हैं मेरा आज के दिन मेरे सैलरी से NPS के लिए 2000 कटते हैं और मेरी उम्र 30 साल है, तो मुझे रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी और इसके लिए क्या करना होगा? रश्मि, तुमको पता ही होगा कि हर एक प्रोग्राम में हमें ये सवाल पूछा भी जाता है। तो देखिए कि आपको मिलने वाली पेंशन की राशि आपके NPS कॉर्पस और आप रिटायरमेंट के टाइम कौन सा पेंशन प्लान चुनते हो उस पर निर्भर होता है।
जितनी ज़्यादा कॉर्पस उतनी ज़्यादा पेंशन। और अब आपके केस में आपके सैलरी से कटे हुए 2000 रुपये और गवर्नमेंट का मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 रुपये, ऐसे 4000 रुपये हर महीने NPS में निवेश होते हैं। तो अगर आप देखो तो हर महीने 4000 और आपकी उम्र 30 साल है, तो अगले 30 साल तक आप सर्विस में रहोगे, तो ये 30 साल तक हर महीने 4000 रुपये निवेश होते रहेंगे तो लगभग 8% रिटर्न से, हालांकि NPS ने 10-12% रिटर्न दिए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा मॉडरेट 8% रिटर्न कंसिडर करेंगे, तो सिर्फ 8% रिटर्न से 30 साल में आपकी राशि लगभग 50 लाख से ऊपर हो जाएगी। अगर ये 50 लाख रुपए आपने पूरी की पूरी राशि, ये पूरे के पूरे 50 लाख रुपए अगर आपने पेंशन खरीदने के लिए दे दिए, तो लगभग उससे आपको महीना 26000 रुपया पेंशन मिलेगी। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि आपकी आज की सैलरी से 2000 रुपया कट रहे हैं, लेकिन आप 30 साल में जाहिर है कि आपका कुछ प्रमोशन होगा, आपको कई सारे इंक्रीमेंट मिलेंगे, तो उसके हिसाब से आपकी NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ती जाएगी। तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगले 30 साल में आपका कॉर्पस कितना बढ़ने वाला है और उतनी ही मात्रा में आपको पेंशन मिलेगा। और ये पेंशन पाने की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एक विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म भर के आपको ऑफिस में देना पड़ेगा, और ऑफिस ये फॉर्म को प्रोसेस करके विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट होते ही आपका पेंशन शुरू हो जाएगा। NPS सब्सक्राइबर के लिए अलग अलग तरीके के पेंशन प्लान क्या उपलब्ध है, उससे मिलने वाली पेंशन की राशि के बारे में हमने डिटेल चर्चा हमारे एक वीडियो में की है, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपके कई सवालों के, जो पेंशन के बारे में जो आपने अभी सवाल पूछा था, उसके कई सवालों का आपका जवाब उस वीडियो से मिल जाएगा। सर, अगला सवाल NPS स्टेटमेंट के रिलेटेड है, जिसमें सब्सक्राइबर लिखते हैं, मुझे NPS स्टेटमेंट मिली है, लेकिन उस स्टेटमेंट में कुछ महीनों की कटौती नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों है? रश्मि, हमारे प्रेजेंटेशन में हमने NPS के आर्किटेक्चर के बारे में चर्चा की है। जैसा कि हमने बताया था कि NPS का आर्किटेक्चर एक अनबंडल्ड आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि हर एक एंटिटी को उनकी क्षमता के अनुसार, उनके एक्सपर्टाइज के अनुसार काम दिए गए हैं, और उसी आर्किटेक्चर के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन अपलोड की जिम्मेदारी आपके नोडल ऑफिस की है। तो आपको तो पता ही होगा कि DDO हर महीने आपका सैलरी बिल बनाता है, जिसमें सारे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी तथा उनसे होने वाली कटौती के बारे में जानकारी, पूरी जानकारी होती है। ये सैलरी बिल बना के वो अपने PAO या DTO को अगली प्रक्रिया के लिए भेज देता है। PAO इस बेसिस पे आपके सैलरी से कंट्रीब्यूशन, NPS कंट्रीब्यूशन की कटौती करता है, और उसकी जानकारी हमारे सिस्टम में, NSDL CRS सिस्टम में अपलोड करता है। साथ ही साथ अमाउंट जो है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट, वो ट्रस्टी बैंक में डिपॉजिट करता है। अभी समझने वाली बात यह है कि ये दो प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं करता आपका ऑफिस, तब तक आपके अकाउंट में आपका कंट्रीब्यूशन का क्रेडिट नहीं दिखेगा। और एक बात है कि आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा, वो ये है कि, और एक रीज़न है वो ये है कि अगर आपका ऑफिस किसी 2-3 महीने का कंट्रीब्यूशन कंबाइन करके एक महीने में कर देता है, तो हो सकता है कि आपके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में आपको उसकी मंथ वाइज एंट्री ना मिले, या फिर किसी महीने का कंट्रीब्यूशन एरियर के रूप में अपलोड करता है, तो आपको ये रेगुलर कंट्रीब्यूशन की एंट्री सब्सक्राइबर को उसके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में नहीं दिखेगी। तो क्योंकि आपने बताया है कि आपके बीच में कुछ महीनों की कटौती जो है, आपके कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके स्टेटमेंट में नहीं दिख रही है, तो मेरा ये सुझाव है कि आप तुरंत आपके नोडल ऑफिस से संपर्क करें, वहीं पे ही आपका आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपकी सैलरी से कंट्रीब्यूशन काटा हुआ है और PAO ने अपलोड किया हुआ कंट्रीब्यूशन, इसका रिकन्सिलेशन करके आप PAO ही आपको बता पाएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ गया है, क्या उसने अपलोड किया है, या अपलोड किया है एरियर के तौर पे किया है, या किसी महीने के साथ क्लब करके उसने कंट्रीब्यूशन अपलोड किया है। इसको आपकी तरफ से एज अ सब्सक्राइबर आपको मॉनिटर करने के लिए हम एक SMS अलर्ट भेजते हैं। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होता है, हम SMS अलर्ट भेजते हैं, तो आप खुद ही उस आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हुआ है कि नहीं, इसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये सब प्रक्रिया, जो DDO सैलरी बिल बनाता है, फिर उससे कंट्रीब्यूशन कटता है, अपलोड करता है, ये एक्सपेक्टेड है कि 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक ये कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो अगर हर महीने के 7 तारीख तक
आपको हमारी तरफ से एनएसडीएल सीआरए की तरफ से अगर कोई एसएमएस नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में अभी तक कंट्रीब्यूशन क्रेडिट नहीं हुआ है। आप तुरंत अपने नोडल ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि आपका कुछ महीनों का कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आपने बहुत दिन के बाद अपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखा है। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप महीने में एक बार आपका ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपके लॉगिन से डाउनलोड करके ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी मंथ का कंट्रीब्यूशन अगर अपलोड नहीं हुआ है तो ये समझ आएगा और आप तुरंत उसका हल निकाल पाओगे आपके पीओ से कॉन्टैक्ट करके। सर, अगले दो सवाल जो है वो टैक्स रिलेटेड सवाल है। उसमें से पहला सवाल जो है वो गवर्नमेंट के साथ साथ बाकी सेक्टर के सब्सक्राइबर के लिए भी लागू होता है। इसमें सब्सक्राइबर लिखते हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे सैलरी से जो एनपीएस की कटौती होती है उससे जुड़े टैक्स बेनिफिट के बारे में बताइए। एज अ गवर्नमेंट सब्सक्राइबर आप एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के लिए दो तरह के टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एक, जो आपका सैलरी से जो कटौती होती है, आपका कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में निवेश होता है वो आप इनकम टैक्स सेक्शन 80CCD1 के तहत आप उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये टैक्स बेनिफिट ओवरऑल सीलिंग जो 1.5 लाख है इसके अंदर ही आता है। अभी आप सबको तो पता ही होगा कि 1.5 लाख के अंदर बाकी सारे भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, यानी कि LIC, PPF, PF। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि 1.5 लाख जो लिमिट है, जो टैक्स बेनिफिट का लिमिट है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में आप एडिशनल आपका जो NPS कंट्रीब्यूशन जो सैलरी से कटा हुआ है वो आप इनकम टैक्स सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। एज पर दिस सेक्शन आप 50,000 तक का एडिशनल बेनिफिट एनपीएस में निवेश करके ले सकते हैं। सर, अगला सवाल भी टैक्स के लिए। सब्सक्राइबर लिखते हैं, क्या मुझे 50,000 के एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिए टियर टू अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे? सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ टियर वन के लिए है। टियर टू में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो इसके लिए जो आपने जो सवाल पूछा है कि 50,000 एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिए मुझे टियर टू में डालना पड़ेगा क्या, तो नहीं, 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिए आपको टियर वन में ही पैसा निवेश करना पड़ेगा। टियर टू एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया गया है सब्सक्राइबर के लिए, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। तो टियर टू के इन्वेस्टमेंट के बारे में और टियर टू अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसकी विस्तृत चर्चा हमने एक अलग से वीडियो में की है जो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। तो अगेन माय रिक्वेस्ट इज़ दैट आप उस वीडियो को देखें, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एनपीएस अकाउंट में कैसे अपडेट कर सकता हूं? रश्मि, हम लोग ये हर वक्त सलाह देते हैं कि सब्सक्राइबर के एनपीएस अकाउंट में उसका ईमेल आईडी तथा उसका मोबाइल नंबर का अपडेट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम तो जानते हो कि हम एनएसडीएल सीआरए की तरफ से काफ़ी सारे अलर्ट्स सब्सक्राइबर के रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल आईडी पर भेजते हैं। ये तो हुई बात हम जो अलर्ट भेजते हैं उनके मोबाइल नंबर पर, लेकिन इतना ही नहीं, सब्सक्राइबर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी ओटीपी के द्वारा, वन टाइम पासवर्ड के द्वारा खुद कर सकता है। और ओटीपी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजा जाता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इंस्टेंट रीसेट करने का। तुम तो जानती हो कि लॉगिन आईडी पासवर्ड इंस्टेंट करने के लिए सब्सक्राइबर को एक ओटीपी भेजा जाता है, वो ओटीपी यूज़ करके तुरंत पासवर्ड रीसेट होता है और सब्सक्राइबर अपना अकाउंट फिर से लॉगिन कर सकता है। तो इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अकाउंट में अपडेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है, और सब्सक्राइबर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद अपने अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं अपना लॉगिन यूज़ करके। अगर उसका पासवर्ड लॉक हो गया है और उसको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, फिर भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो उसको अपने नोडल ऑफिस के पास जाना पड़ेगा और नोडल ऑफिस उसको पासवर्ड रीसेट करके दे देगा। सर, अगला सवाल भी सब्सक्राइबर के अकाउंट अपडेशन से रिलेटेड है, जिसमें सब्सक्राइबर लिखते हैं, मैंने अकाउंट खोलते समय नॉमिनेशन डिटेल्स नहीं दिए थे, क्या मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? रश्मि, नॉमिनेशन डिटेल्स अपने अकाउंट में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी सहमत होंगे मुझसे कि ये नॉमिनेशन डिटेल्स किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में काम आते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अकाउंट ओपनिंग के टाइम
नॉमिनेशन को मैंडेटरी बनाया गया है. दैट मीन्स फॉर फ्रेश अकाउंट ओपनिंग नॉमिनेशन डिटेल्स हैज़ टू बी देयर. ओके, लेकिन आपने जैसे कहा है कि आपका डिटेल अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, तो मेरी राय में आप उसको उसे तुरंत अपडेट करना चाहिए. और इसे अपडेट करने के लिए आपको S2 फॉर्म, जो कि सब्सक्राइबर डिटेल्स चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म है, वो भरकर आपके ऑफिस में सबमिट करना है. आपका ऑफिस हमारे सिस्टम में लॉगिन करके तुरंत अपने आपके नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट कर देगा. सर, अगला सवाल जो है वो मल्टीपल प्लान के रिलेटेड है, जो अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाता है. हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ ये सवाल दूसरे सेक्टर के सब्सक्राइबर के लिए भी एप्लीकेबल होता है. इस क्वेश्चन में सब्सक्राइबर लिखते हैं, पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत था जहाँ से मुझे प्लान मिला था और उसमें नियमित कटौती भी हो रही थी, लेकिन हाल ही में मेरा अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है और यहाँ मेरे ऑफिस ने नया प्लान जनरेट किया है. अब मेरे पास 2 प्लान है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने हमारे प्रेजेंटेशन में आपको प्लान के एक यूनिक फीचर के बारे में बताया था, और वो है पोर्टेबिलिटी ऑफ प्लान. इसका मतलब है आप जहाँ पे भी जाते हो, चाहे लोकेशन चेंज करते हो या फिर चाहे जॉब चेंज करते हो, आपको दूसरा प्लान जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, आपका एग्जिस्टिंग प्लान ही कंटिन्यू हो सकता है. तो आपने जब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, तब एक्चुअली आपको वही प्लान जो आपको पहले सेक्टर में दिया गया था, उसे आपको कंटिन्यू करना चाहिए था. जो कि आपके 2 प्लान भी जनरेट हुए ही है, तो आपको ये 2 प्लान मर्ज करवा के किसी एक प्लान को ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा. और इस प्लान मर्जिंग के लिए आपके एग्जिस्टिंग ऑफिस को NSDL CRA, यानी हमको एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी. NSDL CRA आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और एक प्लान बंद कर देगा, और उस प्लान से ट्रांजैक्शंस, यानी आपका अमाउंट जो उस प्लान में क्रेडिट हुआ था, उसे निकाल कर एक आपका जो एक्टिव प्लान है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा. सर, एक काफ़ी अच्छा सवाल सब्सक्राइबर ने पूछा है, जो पूछते हैं GPF में लोन लेने की सुविधा उपलब्ध है और इमरजेंसी में पैसे निकाल भी सकते हैं, क्या NPS में ये सुविधा उपलब्ध है? रश्मि, NPS से लोन लेने की कोई सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर सब्सक्राइबर चाहे तो अपनी ज़रूरत के लिए इस बीच कुछ पैसे ज़रूर NPS से निकाल सकता है. इसे हम पार्शियल विड्रॉल कहते हैं. सब्सक्राइबर कुछ चंद ज़रूरतों के लिए, जैसे घर खरीदना है, या फिर बच्चों की हायर स्टडीज़, या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस, तो उसके लिए अपने कंट्रीब्यूशन का 25%, आई रिपीट, अपने कंट्रीब्यूशन का 25%, इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो अपने कंट्रीब्यूशन का 25% आप इन ज़रूरतों के लिए अपने कार्यकाल में निकाल सकते हो, और ऐसा आप अपने पूरे कार्यकाल में 3 बार कर सकते हो. और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. आप अपना प्लान और पासवर्ड यूज़ करके आपके हमारे सिस्टम में लॉगिन कर इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकते हो. लेकिन मेरे ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ज़रूरत हो तो ही अपने NPS अकाउंट से पैसे निकालो, क्योंकि जितना आप पैसा निकालोगे उतना आपका NPS कॉर्पस, जो टर्मिनल कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिससे आपको पेंशन मिलती है, वो कम हो जाएगा और उसका असर आपकी पेंशन अमाउंट पे होगा. सर, अगले 2 सवाल जो है वो NPS से एग्जिट के बारे में लिखा है. इस क्वेश्चन स्लिप में सब्सक्राइबर लिखते हैं, रिटायरमेंट के समय अगर मुझे NPS के कॉर्पस को यूज़ करने की ज़रूरत ना हो, या उस समय NPS से एग्जिट का उचित समय ना हो, फिर भी मुझे NPS से विड्रॉल करना होगा, या कोई और विकल्प है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है. आपके पास विड्रॉल के अलावा भी ऑप्शन उपलब्ध है रिटायरमेंट के समय. जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है आपको किसी दूसरे अन्य सोर्सेज से, या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उससे आपको कुछ पैसे मिलने वाले हो रिटायरमेंट के टाइम, और आपको पैसे की NPS से विड्रॉल करने की ज़रूरत ना हो, तो इस स्थिति में आप अपने NPS से विड्रॉल को डिफ़र कर सकते हैं. और ये डिफरमेंट की प्रोसेस जो है वो भी ऑनलाइन है. सब्सक्राइबर खुद इसे इनिशिएट कर सकता है और अपना विड्रॉल डिफर कर सकता है. अपना विड्रॉल डिफर करके वो 70 साल की आयु तक NPS से जुड़ा रह सकता है. और एक बात, डिफरमेंट, कंटिन्यूएशन और विड्रॉल, ये जो अलग अलग ऑप्शंस सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के टाइम उपलब्ध है, उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और ये वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है. तो आप बस, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे देखें और इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें. सर, अगला सवाल है, क्या मैं रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा निकाल सकता हूँ?
मुझे पेंशन नहीं चाहिए। ये सवाल अक्सर हमें सभी प्रोग्राम में पूछा जाता है, लेकिन एक बात आप समझ लो कि NPS एक रिटायरमेंट स्कीम है जहाँ पे आप अपने कार्यकाल में NPS कॉर्पस जमा करते हैं और रिटायरमेंट के समय यही कॉर्पस से आपको पेंशन दी जाती है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अच्छी पेंशन की राशि मिले, इससे आप पूरी की पूरी जो NPS कॉर्पस है वो आप निकाल नहीं पाते हो। तो आप कितना निकाल पाओगे? तो आप मैक्सिमम 60% जो आपकी जमा राशि है रिटायरमेंट के टाइम वो आप लमसम यानी कैश के रूप में ले सकते हो, और मिनिमम 40% आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे पेंशन खरीदने के लिए, जिससे आपको मंथली पेंशन मिलेगी। और ये अगर आप ज़्यादा पेंशन चाहते हो तो आप पूरी की पूरी राशि जो है आपका कॉर्पस है वो आप पेंशन खरीदने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। और ये सब प्रक्रिया, फिर से मैं बोलूँगा कि ये सब प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, वो सब्सक्राइबर खुद रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता है और इनिशिएट करने के बाद अपने ऑफिस से ऑथोराइज करवा के उसे पेंशन स्टार्ट कर सकता है। इसकी भी जानकारी हमने एक अलग वीडियो में दी है जो कि हमारे इस चैनल पर है, आप इसे ज़रूर देखें। सर, इस सेशन का ये आखिरी सवाल है, इसमें सब्सक्राइबर लिखते हैं, NPS से जुड़े कई सारे सवाल हमारे मन में है, उनका निवारण कैसे होगा? इसके अलावा कई बार हमारी शिकायत हमारे नोडल ऑफिस नहीं सुनते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? सब्सक्राइबर की सुविधा के लिए हमने NPS से जुड़ी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। यही नहीं, हमारे रोज़ाना जो इंटरेक्शन होता है सब्सक्राइबर के साथ या फिर नोडल ऑफिस के साथ, उसके बेसिस पे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कि NPS से जुड़े सारे क्वेश्चन और आंसर का एक कलेक्शन है, और ये FAQ हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। आई एम श्योर कि वो FAQ आप अगर पढ़ेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी NPS की सर्विसेज लेने के टाइम अगर सब्सक्राइबर को कुछ शिकायत है तो वो हमारे सिस्टम में आके उसे दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए NSDLCR यानी हमने एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम CGMS कहते हैं। यहाँ पे शिकायत दर्ज होने से लेके उसके रिजोल्यूशन तक सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। सब्सक्राइबर दो तरीके से ग्रीवेंस रेज कर सकता है, एक अपने अकाउंट में लॉगिन करके या मोबाइल ऐप के ज़रिए ग्रीवेंस मेनू में जाके ग्रीवेंस दर्ज कर सकता है, और दूसरा हमारी कॉरपोरेट वेबसाइट पे सब्सक्राइबर कॉर्नर के ऑप्शन में जाकर लॉग ग्रीवेंस या इंक्वायरीज के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके सब्सक्राइबर अपनी ग्रीवेंस तथा NPS रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। इसी के साथ हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन कम्प्लीट करते हैं। आशा करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब हम दे पाए। अगर फिर भी आपके मन में NPS से जुड़े कोई और सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइबर कॉर्नर में सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद।